ई चलन के लिए बात करूंगा, क्योंकि आप इंडिया में जो है बात करें तो ज़्यादातर लोगों को इतना एक्सपर्ट नहीं है जो वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सके और लॉगिन आईडी पासवर्ड याद रख सके। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं आपको ऐसा सिंपल सा रास्ता बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे आप सिर्फ अपना व्हीकल नंबर डाल के, अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे किसका नाम है, कब रजिस्टर किया गया है, चलन है या नहीं है, है तो कितने का है, चलन की डिटेल भी पूरा चेक कर सकते हो। साथ साथ में आपका इंश्योरेंस कब एक्सपायर होने वाला है, पीयूसी क्या है, पीयूसी नंबर क्या है, मतलब जो व्हीकल की पूरी डिटेल्स है ना, वो आप सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर से भी पता लगा सकते हो। उसमें कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करो, क्योंकि उसको भी थोड़ा नॉलेज मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए जो उपयोगी यूजफुल माहिती है वो आपको लाते रहते हैं। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कैसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। मित्रों, जब आप चलन चेक करने जाते हो ई परिवहन की साइट पे, ई परिवहन की साइट है, बढ़िया साइट है, बट उसमें इतनी डिफिकल्टी है, तो नॉर्मल लोग जो है इंस्टेंट चेक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे आप कोई सर्विस चेक करेंगे तो उसमें आपको रजिस्टर मांगेगा, फिर रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद आप चेक कर सकते हो। तो ये सभी परेशानी दूर करने के लिए एक मैं वेबसाइट बताता हूँ जो ट्रस्टेड है। ये वेबसाइट के लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जैसे ओपन करेंगे ना, तो ऐसे ही आपको एक लिंक ओपन होगी, ठीक है? ये जो लिंक ओपन होगी ना, यहाँ पे लिखा है चेक चलन योर फ्री, मतलब चलन के साथ आप सभी डिटेल्स जो मैंने बताया था वो सभी चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दूसरे का व्हीकल नंबर डाल के बताता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है कस्टमर का, जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे व्हीकल नंबर लिखना है, ठीक है? व्हीकल नंबर डालने के बाद जैसे सेंड ओटीपी करेगा ना, तो ये जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद देखो सभी डिटेल्स आ गया है, व्हीकल्स नंबर मैंने डाला था, तो व्हीकल मॉडल कौन सा है, व्हीकल मॉडल क्या है, कौन सी कंपनी का है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, इंश्योरेंस कब, कौन सी कंपनी का है, नंबर क्या है, इंश्योरेंस कब एक्सपायर होने वाला है, पीयूसी नंबर क्या है, पीयूसी कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पीयूसी आया नहीं है, मतलब कि वो अपडेट नहीं हुआ होगा, या आपकी गवर्नमेंट की साइट पे वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा, इसीलिए शो नहीं हो रहा है, वरना यहाँ पे शो हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस नंबर नहीं दिखता होगा या कुछ डिटेल्स नहीं शो होता होगा, तो वो जो इनका आरटीओ के परिवहन की वेबसाइट है वहाँ से डेटा फेच कर लेता है, और यहाँ पे अभी तक कोई चलन नहीं है। अगर कोई चलन होता तो यहाँ पे पूरा चलन की डिटेल के साथ आ जाता है, और वहाँ पे लोकेशन के साथ और चलन की प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। सिर्फ अपना दो डॉक्यूमेंट पे, दो डिटेल्स पे आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वेबसाइट कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करो। और दूसरी चीज, अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो आपको इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन दिया है। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे चेक करेंगे ना, तो व्हाट्सएप से आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हो, और उसको आपका जो कोटेशन है इंश्योरेंस का वो मंगवा सकते हो और कर भी सकते हो। इंश्योरेंस लेना है तो भी आसान सा तरीका है। तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही अपना चलन चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल को शेयर करें।